प्रभास के फैंस जहां पहले ही साहू की रिलीज डेट को लेकर निराश हो गए थे, तो अब वहीं एक बार फिर उनका दिल टूट सकता है। जी हां, जैसे कि हमने आपको खबर दी थी कि साहू मिशन मंगल और बाटला हाउस एक दिन रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर साहू के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल कर 30 अगस्त कर दी, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस का मेगा क्लैश टल गया था। नई तारीख का ऐलान करते हुए मेकर्स ने बताया था कि अब ये फिल्म 15 की बजाय 30 अगस्त को रिलीज की जाएगी, लेकिन अब सामने आई नई जानकारी के मुताबिक दर्शकों को अभी इस फिल्म को देखने के लिए और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। जी हां, न्यूज एजेंसी पीटीआई ने फिल्म से जुड़े करीबी सोर्स के हवाले से जानकारी दी है कि मेकर्स इस फिल्म को 30 अगस्त के बजाय 6 सितंबर को रिलीज कर सकते हैं। दरअसल इसकी वजह फिल्म का वीएफएक्स काम का अभी पूरा ना होना बताया जा रहा है, क्योंकि ये फिल्म धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस से भरी हुई है। फिल्म में प्रभास के अलावा श्रद्धा कपूर भी ताबड़तोड़ एक्शन करती हुई नजर आने वाली है। ऐसे में फिल्म में भारी वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। सोर्स ने बताया है कि फिल्म 30 अगस्त या 6 सितंबर को रिलीज हो सकती है, हालांकि तारीखें अभी फिक्स नहीं है। इसी के साथ मीडिया में ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि फिल्म 30 की जगह 6 सितंबर को रिलीज हो सकती है, हालांकि इसकी अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आपको बता दें कि प्रभास की फिल्म साहू का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद ये क्रेज और कई गुना बढ़ भी गया था। इस फिल्म को तब 15 अगस्त को रिलीज किए जाने की तैयारी थी, हालांकि मेगा क्लैश टलने के बाद अब सिर्फ अक्षय कुमार के मिशन मंगल और जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस सिल्वर स्क्रीन पर पहुंच रही हैं।